गाइस वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही पिंक सा मेकअप लुक है ये, बहुत लाइट सॉफ्ट पिंक मेकअप लुक आप देख सकते हैं। एंड मैंने बस वन पैलेट से पूरा लुक क्रिएट किया। वन पैलेट मीन्स कि मैंने बस ये पैलेट यूज़ किया है आई शेडो के लिए भी, ब्लश के लिए, हाईलाइटर के लिए एंड कॉन्टोरिंग के लिए, मतलब सबके लिए मैंने बस एक ही पैलेट यूज़ किया है, मतलब मल्टीपर्पज ये पैलेट है गाइस ये। और इसके साथ मैंने एक और ऐसे फाउंडर दिखाया था, वो भी दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जो एक पैलेट से पूरा फुल फेस मेकअप हो जाता है आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही मिनिमम सा प्रोडक्ट यूज़ किया है ये लुक क्रिएट करने के लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगे। बहुत ही पिंक सा एंड ये मेकअप को आप डे एंड नाइट दोनों टाइम में मेकअप लुक करके जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने फॉल्सेस अप्लाई नहीं किया है। अगर फॉल्सेस मैंने ऑप्शनल रखा है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, बट डे टाइम में ना अप्लाई करें तो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर नाइट टाइम में जा रहे हैं तो आप फॉल्सेस अप्लाई कर लें, बट मैंने नहीं किया क्योंकि बिगनर्स स्पेशली फॉर बिगनर्स मेकअप लुक है ये, क्योंकि बिगनर्स को नहीं आता लगाना। मुझे भी पहले नहीं आता था फॉल्सेस अप्लाई करना, बहुत ही डिफिकल्ट होता था। उसी हिसाब से मैंने ये लुक क्रिएट किया ताकि आप लोग के लिए बहुत इजी सा रहे। तो चलिए इंट्रो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो मैंने लुक कैसे क्रिएट किया आप सो गाइस सबसे पहले हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं ले रही हूँ पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर। इसके ऊपर मैंने रिव्यू किया है गाइस, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लीज चेकआउट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ एंड उसके बाद मैं लिप बाम लगा रही हूँ। लिप बाम के लिए मैंने लिया है आयुर का लिप बाम। सुबह सब बारी आती है प्राइमर का, तो प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ NYB का प्राइमर। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्राइमर के बाद मैंने यहाँ लिया है कलर करेक्टर, क्योंकि मेरा थोड़ा डार्क सर्कल्स हो गया है तबीयत खराब की वजह से एंड पहले से ही मेरा थोड़ा डार्क सर्कल्स है। तो ये है NYB का कलर करेक्टर शेड नंबर 10 ऑरेंज करेक्टर। तो मैंने बहुत लाइट हैंड से एकदम लाइट सा अप्लाई किया है एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पॉन्स का बीबी क्रीम। इसमें SPF 30 भी होता है गाइस, तो डे टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा मैं डॉट डॉट बना के पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड एक ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ ब्रश का अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से बीबी क्रीम सीसी क्रीम ना ब्लेंड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसमें मेरा शेड है 04। बहुत लाइट सा मैंने अप्लाई किया अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, आप देख सकते हैं। इसको मैं ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने फर्स्ट टाइम ब्रश अप्लाई किया गाइस, आप देख सकते बहुत अच्छे से ब्रश से ब्लेंड होता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस अब मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ, ये है लैक्मे का सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट। इसमें भी SPF 40 आता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस मैं अपने नेक पे लगाना भूल गई थी, इसके लिए फिर मैं नेक पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसको ब्रश से अच्छे से सेट भी कर दूंगी ताकि थोड़ा सा क्रीज लाइन ना पड़े। अब मैं आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ MN का आईब्रो पेंसिल। इसे अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लेंगे, उसके पीछे एक स्पूली आता है उसी से अच्छे से कोम कर लेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट है अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड अब मैं अप्लाई करूँ SFR का कलर कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर पैलेट। ब्लश हाइलाइटर पैलेट गाइस आप देख सकते हैं, तो इसमें जो मैं ब्राउन शेड था उसी को पिक की हूँ अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लाइट शेड था तो इसके लिए अच्छे से ये ब्लेंड हो गया। दो तीन बार अच्छे से ब्लेंड करें उसके बाद हो जाएगा एंड उसी को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। मैंने फुल फेस में एक ही पैलेट अप्लाई किया है गाइस, आप देख सकते हैं। अब ये ब्लश शेड लेके अपने आउटर वी से लेके हाफ आईलिड तक अप्लाई करूँगी और उसको ब्लेंड भी करते जाऊँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपल रखा है आई मेकअप ताकि जो बिगनर्स है वो अच्छे से क्रिएट कर सके। इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। ये हाइलाइटर शेड लेके ये थोड़ा वाइट सिल्वर टाइप का है, इसको मैं अपने इनर कॉर्नर से लेके हाफ हाईलाइट तक अप्लाई कर लूँगी एंड उसको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये दोनों शेड लेके मैं कॉन्टोरिंग कर लूँगी ब्रॉन्जर
गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैलेट है, आप इसको अपने फुल फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी में से मैं ये ब्लश शेड लेके ब्लश अप्लाई कर लूँगी। ये ब्लश शेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसी को थोड़ा मैं अपने नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी ताकि अच्छा सा लगे। एंड उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए भी यही अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा पाउडरी है बट अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल लुक देता है। अब मैं अप्लाई करूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे, इसके लिए मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे गाइस, जिससे मैं अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि सेट कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, ये है एसक्यू का काजल, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं गाइस ईजिली। एंड अब मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ये है लैक्मे का इंस्टा लाइनर। मैं थोड़ा सा थिक आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, जो बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मैं फॉल्सेस अप्लाई नहीं करूँगी आज इसके लिए। फॉल्सेस ऑप्शनल है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँ, ये पैरासोनिक का मस्कारा। एंड गाइस अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये है एसक्यू का लिक्विड लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड है 04। सो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक, आई होप कि आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करेगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लुक क्रिएट किया है गाइस, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। सो गाइस अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब बोल में छोटा सा बेल बटन होगा उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आगे से मैं कोई भी डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।